चिड़ियाकोट थाना क्षेत्र के सोहवत बगदाशी मोहल्ले में 5 मई को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहचान छुपाने के लिए युवक के चेहरों को बुरी तरीके से जला दिया गया था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन थाने की पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर युवक की शिनाख्त कर हत्याकांड मामले का खुलासा किया। खुलासे में यह निकल कर आया कि युवक वाराणसी जनपद निवासी मुस्लिम का है और उसकी हत्या पैसे के लेन देन को लेकर वह आसनाई के चक्कर में की गई थी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए आलोक कुमार श्रीवास्तव क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद गोहाना ने बताया कि 5 मई को एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया गया था। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें वाराणसी जनपद के चेतगंज थाने के फाटक शेख सलीम मोहल्ला निवासी शहीद अशरफ और चंदौल जनपद के मुगलसराय थाना क्षेत्र के नई बस्ती कैलाशपुरी निवासी मोहम्मद जावेद हैं। पूछताछ में दनिश ने बताया कि मेरा भाई गोल्डी और मुस्लिम ने मिलकर बिजनेस पार्टनर थे, जिसमें मुस्लिम 40 लाख रुपया लगाया था और अब वह पैसा मांग रहा था। इसके साथ ही पैसे के लिए दबाव भी बना रहा था। हम लोग अब पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए मैंने और गोल्डी ने मिलकर मुस्लिम को 5 मई को अपनी वैगनआर कार से आजमगढ़ होते हुए चिड़ियाकोट ले आए और रात में उसकी हत्या कर चेहरा जला दिया। लेकिन पुलिस की जांच में जब हम दोनों का नाम आने लगा तो उसके कपड़े को आधी खोज कर सबूत मिटाने की फिराक में हम लोग जुट गए थे। इसके साथ यह भी स्वीकार किया गया कि हमारे भाई गोल्डी की ससुराल चिड़ियाकोट कस्बे में है, जहां पर उसकी पत्नी मुस्लिम का उससे अवैध संबंध था। यह भी हत्या का एक कारण है। इसके बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं में चालान का न्यायालय के लिए भेज दिया। इसके साथ ही फरार चल रहे दानिश के भाई गोल्डी को गिरफ्तार करने में पुलिस जुटी हुई है। व्यक्ति की लाश मिली थी, चेहरा जला दिया गया था पहचान छुपाने के लिए। उसकी पहचान जो है मुस्लिम सना जिला वाराणसी के रहने वाले के रूप में हुई थी। घटना का जो है स्वाट टीम और थाना कोतवाली चिड़ियाकोट पुलिस द्वारा खुलासा करते हुए मुंजिम गिरफ्तार करे गए हैं। गोल्डी उर्फ शाहिद अशरफ मिर्जा तथा जावेद पुत्र फिरोज अहमद निवासी नई बस्ती कैलाशपुरी और गोल्डी जो है